नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। जिन छात्रों को सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है तो आप सभी को बताना चाह रहा हूं, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में आ सकती है, कोई निश्चित डेट नहीं है। जब मेरे गवर्नमेंट आईटीआई में मेल आएगा तो एक दिन पहले आएगा, तब मैं आपको बताऊँगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये है कि सर, जो ट्रेड करने के लिए बच्चे अप्लाई किए हैं, फ्लोट किए हैं, तो फ्लोट वालों को पहले जो है कंसीडर किया जाएगा या फिर जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन बच्चों को पहले जो है वो कंसीडर किया जाएगा एडमिशन में। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कॉलेज में अभी जो है 10 सीट अगर इलेक्ट्रीशियन में खाली हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने फ्लोट करके ट्रेड चेंज कराने के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया है, तो उन्हें पहले मौका मिलेगा, या फिर जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनने अपने फॉर्म में इलेक्ट्रीशियन भरा हुआ है उन्हें पहले इलेक्ट्रीशियन मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन आपके मन में है, तो इस कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि जिन छात्रों ने फ्लोट को ऑप्शन पर टिक किया है और वो उनका जो है जो अभी मिला है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ कि दूसरे नंबर पर अगर उनने जो है फिटर भरा है और उनने फ्लोट किया है, पहले नंबर पर उनने इलेक्ट्रीशियन भरा है, तो उनको जो है पहले मौका दिया जाएगा। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन के लिए फ्लोट कराए हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा, पहले उनसे जो है इलेक्ट्रीशियन की या फिर जो भी ट्रेड के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उन ट्रेड की जो है सीट पहले भरी जाएंगी, फिर सीट खाली बच जाती हैं तब सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है जो फॉर्म बचे हैं उन पर जो है मेरिट लगाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा, जो फ्लोट के लिए अप्लाई किए हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि सीटें जो हैं वो काफ़ी खाली रह गई। मगर इलेक्ट्रीशियन में जो है फिटर में जो है उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो मेरे यहाँ लगभग फिटर की और इलेक्ट्रीशियन की 80% सीट भर गई हैं, सिर्फ 4-5 सीट जो है 20 में से, मान लो कि 80 का मतलब क्या हुआ, जो 16 सीटें भर गई हैं 4-4 सीटें बची हैं, तो ऐसे करके हर कॉलेज में लगभग 20% ही सीटें बची हैं, तो हो सकता है फ्लोट में ही ये भर जाएँ। तो ऐसे में जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट वालों को भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत जगह खाली भी रह जाता है, बहुत जगह भरा हुआ हो जाता है, तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जल्दी भर जाता है, जैसे कि झांसी हो गया, आगरा हो गया, इधर आपका इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, ये मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर जो है सीटें जल्दी भरती हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो है वो फ्लोट वाले छात्रों को जो है वो मौका दिया जाता है सीट भरने का, उसके बाद खाली बचेंगी तो जो है सेकंड वालों को जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। क्योंकि जो फ्लोट में अगर किसी का इलेक्ट्रीशियन में चेंज होता है, जैसे कि अभी उसे जो है फिटर मिला है और वो इलेक्ट्रीशियन में चेंज हो जाता है, तो फिटर की भी सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रीशियन मिल गया तो फिटर की सीट खाली हो जाएगी। तो ऐसे करके जिनको अभी फ्लोट का मौका मिला है वो अगर दूसरी ट्रेड में चेंज होता है तो पहली वाली ट्रेड की उसकी सीट खाली हो जाएगी, उस सीट पे क्या है फिर से मेरिट लगेगी, सेकंड में जो जिनका नाम आएगा उनको मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए, जो सेकंड मेरिट लिस्ट में बच्चे हैं उनको भी पूरा चांस है फिटर इलेक्ट्रीशियन मिलने का, और अन्य व्यवसाय अन्य ट्रेड जो है वो मिलने का तो बहुत चांस है। और आप लोग बिल्कुल अपना जो है बिल्कुल चैनल की अपडेट से अपडेट रहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं समझ में आती रहें, सारी अपडेट आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अभी कमेंट करते हैं कि सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और मैं नाम देख नहीं पाया हूं और अब मेरा एडमिशन कैसे होगा। तो जिनका नाम आया है मैं बहुत पहले ही उसका वीडियो बना चुका हूं कैसे देखें, और एडमिशन के लिए 5-6 दिन का समय मिला था, 2 दिन और बढ़ाया गया था, फिर भी वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं। अब ऐसे बच्चों का नाम जो है आने वाली सभी जो मेरिट लिस्ट हैं उनसे हटा दिया जाएगा। मैंने पहले यह सूचना दी थी, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आगामी जितने भी मेरिट लिस्ट हैं वो उन सब से आपका नाम हटा दिया जाएगा। सेकंड चीज़, सेकंड मेरिट लिस्ट पे भी जो है अपडेट होगी, लागू होगी, अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है और दिए गए समय में आप एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग चैनल से अपडेट बने रहें, और चैनल पर मैं जो है आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा चैनल चलाया जाता है, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको मैं बताता रहता हूँ और ऑथेंटिक की जानकारी आपको मिलेगी। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।